आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है, लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग थी, ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। आधा घंटा पहले उसने फोन से बात हुआ था, उसने बोली थी कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ही बात हुआ था आधा घंटे के बाद। फिर वहाँ बच्चे का मैसेज आता है कि रिचा ऐसे कर ली। हमारी बेटी हमेशा याद जो भी सुसाइड होती थी वो हमसे अवगत कराती थी। मैं बोलता था बेटा ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। लास्ट कॉल 12 तारीख को 9:30-10 बजे उसने की थी। उसने एक बार बोला यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके आधा घंटे के बाद ही ऐसा मैसेज आ गया। वो बहुत स्ट्रांग थी। पहले भी कभी आपको इस प्रकार की शिकायत करी है? इससे पहले कोई शिकायत नहीं की थी, सारा चीज़ ठीक चल रहा था। 12 तारीख को उसने मेरे पास करीब 12 बजे उनसे बात हुई थी। जो मेडिसिन वगैरह मंगाई थी उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, फीवर वगैरह था, तो उस समय बात हुई थी। उसके बाद में उनकी माँ से बात हुई है 12 तारीख को ही करीब 9 बजे। हमारी बड़ी बेटी से भी बात हुई है। उसके आधा घंटा के बाद ही ऐसे मैसेज आ गया। आम सभा में मंत्री द्वारा इतना बड़ा बयान देने किस रूप से लेते हो? सर सबसे पहले चीज़ है, यहाँ तो बच्चे का जो भी है या हॉस्टल साइड से या इंस्टीट्यूट के साइड से बच्चे का काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, ये सारी चीज़ को मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे हॉस्टल साइड से इंस्टीट्यूट के साइड से ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी रहते हैं। मंत्री का ये कहना है सुसाइड नोट मिला है, आप लोगों को सुसाइड नोट बताया? नहीं, उसने डायरी उसने कुछ लिखा है डायरी और उस मोबाइल फ़ोन। तो हमारे हॉस्टल के एक बच्चे ने हमारे से बताया कि पुलिस वाले ने ले गए। नहीं, वो लव अफेयर की बात कर रहा है मंत्री, विदेश मंत्री शांति धारीवाल कोटा का। नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारी बातचीत नहीं है, इस टाइप की हमारी बातचीत नहीं थी। हमारी बहन गए मंत्री ने, मानते आप? नहीं मानते हम। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में जब तक हम किसी भी जांच के स्तर पे नहीं जाएंगे तो हम ऐसे क्या बता सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कभी इस बारे में कभी कोई भी शिकायत नहीं देना सही लग रहा है या नहीं, बिना किसी अगर उन्होंने बयान ऐसा दिया है तो अगर उनके पास विटनेस है या ऐसी कोई जानकारी है तो आगे बताएंगे तभी तो पता चलेगा। हमारे को तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। लड़के छेड़ते जाने जाने में से बात सामने आई जो आपको ये बताया? बात तो हमें नहीं बताई है, लेकिन हमारी बड़ी बेटी को शायद उसने शेयर किया है। क्या कि बताया इस तरीके की कि यहाँ पे मतलब आने जाने में मतलब की प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलत कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करती है, बातें बताई है। अब दूसरे चीज़ क्या है, यहाँ स्टूडेंट को बातों को दबा भी दिया जाता है, उसको कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से कभी आपको बच्चे से संबंधित कोई बात बताई गई कि आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, जब वो नहीं स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती तो ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, स्कूल की तरफ से मैसेज आता है, एलएम के थ्रू से मैसेज आता है कि आज बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं है। फिर हम अपने बच्चे से बात करते हैं क्यों नहीं गए, वैसे पहले हमें पता हो जाता है, इन्फॉर्म कर देते कि आज पापा हम स्कूल नहीं जा पाएंगे किसी रीज़न से, तबीयत ख़राब है या जो भी है।